अजी मैम, आपने व्हाट्सएप के लिए भी कहा, अभी सोशल साइट्स भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं क्योंकि ये रेशियो अब बढ़ रहा है, और उसके लिए अभी मैंने कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में हम लोगों ने भी वो खबर बताई थी कि फेसबुक का भी गलत तरीके से इस्तेमाल होता है और ये सारे क्राइम बढ़ रहे हैं। आपने व्हाट्सएप के लिए कुछ कहा था, अब वो कौन सा केस है जिसके बारे में? वो एक थोड़ा अलग सा केस था, लेकिन वो आपका सोशल वाली बात मैं करूंगी, पहले व्हाट्सएप के केस की बात करूंगी। मैं बता दूं कि हमारे यहाँ लोग कितना सतर्क है, आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दो, और ये भी बताना चाहते कि हमारी पुलिस ने इसके पीछे कितनी मेहनत की कि एक लेडी का फोन आया कि उसकी एक फ्रेंड है जो कहीं कॉल सेंटर में जॉब करती है, वो कुछ दिनों से आना बंद कर दिया है जी। तो हमने कहा कि ठीक है बता कहाँ तेरी फ्रेंड रहती है, तो फ्रेंड का तो फोन नंबर स्विच ऑफ था, लेकिन उसके जो जिस घर में रहती थी वो अपने जीजा जी के घर में रहती थी, तो उसके घर में हमने फोन किया तो बोला कि हाँ वो लड़की का कोई अफेयर चल रहा था, तो हमने उसको अपने उसके डैडी मम्मी के पास कहीं यूपी भेज दिया जी। तो हमने कहा ठीक है तुम्हारे यूपी वाले का नंबर दो, डैडी मम्मी का यूपी का, तो डैडी मम्मी का यूपी का नंबर हमें मिला, हमने यूपी की पुलिस को उसके घर भेजा कि चेक करो कि वो लड़की है कि नहीं वहां पे, तो पुलिस वापस आई मैसेज लेके कि हाँ लड़की वहां है। तो हमने कहा भाई लड़की को इसकी फ्रेंड से एक बार बात करा दो, तो यूपी की पुलिस ने वो लड़की और अपनी फ्रेंड से बात कराई, तो अब वो फ्रेंड बोलती है कि ये तो आवाज ही किसी और की है, तो अब क्या करें हम, क्योंकि हमको तो अब यानी इन शॉर्ट वो लड़की कहाँ गई, तो हम सब ढूंढ रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि ठीक है काम कर भी तू वो लड़की का व्हाट्सएप पे फोटो ले, सब फोटो पाड़ और हमको भेज, तो फिर उसने वो फोटो पाड़ा कैमरा में और व्हाट्सएप पे हमको भेजा, और इस तरह हमने दिस व्हाट आई वांट टू से हियर कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस बैठी नहीं रही, उसने यूपी पुलिस को कांटेक्ट किया, यूपी पुलिस ने हेल्प किया, व्हाट्सएप पे ये सब दो चार काम किए, फोटोज भिजवाए, फिर वो लड़की ने देखा कि हाँ ये तो उसी की फ्रेंड है और वो सेफ एंड साउंड है, तो इस तरह हमने एक केस हैंडल किया। ये एग्जाम्पल दे रहे थे। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, भले हम पुलिस दौड़ती हुई मेरे को मानता नहीं है, हम है और हम दौड़ते होंगे हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक और लेडी ने बहुत अच्छी सतर्कता बताई, एक लेडी का फोन आया कि एक गाड़ी में एक भाई एक बहन को खींच के ले गए, वो गाड़ी का नंबर दे दिया, कपड़ा भी दे दिया, लाल कलर का टी शर्ट था नहीं है, जींस था नहीं, लड़की का नहीं है, वो सबको दे दिया तुरंत। हमारा वो एक तो अच्छा बहुत अपनी पुलिस ने एक बहुत अच्छा पिनाक करके सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे हमें रजिस्ट्रेशन नंबर से तुरंत किस कौन ओनर है मिल जाता है, तो तुरंत पुलिस हरकत में आ गई, रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला, एड्रेस निकाला कि ये किसके नाम की गाड़ी है, उस नंबर पे फोन किया तो वो एक आंटी के नाम की गाड़ी थी, बोले हाँ मेरा बेटा यूज कर रहा है और मेरा बेटा अभी यहीं पे है, तो फिर हमने उसके बेटे से बात की कि तेरे साथ कौन लड़की थी, तो बोला हाँ वो मेरी फियांसी थी लेकिन मेरा कुछ झगड़ा हुआ था तो वो थोड़ी नाराज हो गई थी, तो मैंने उसको गाड़ी में जोर से बिठा दिया और वो मेरे पास ही, आप बात कर लो उसके साथ, तो फिर हमने वो सब यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, भले केस कुछ था नहीं, जेन्युइन था कि कोई झगड़ा था, लेकिन मेरे को कहना है कि जो किसी बहन ने एक सतर्कता बताई और उसको लगा कि अगर हो सकता था कि किसी का किडनैपिंग होता था तो हम बचा सकते थे, तो ये सब पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कहती हूँ कि अभी जागरूकता चाहिए हमारी सब बहनों में भाइयों में, और ये जरूरी है कि हम ये जागरूकता के कारण हम सबको बचा सके। मैं अभी अगेन रिपीट करूंगी कि हमको आंदा नहीं, एज अ पुलिस हम दौड़ेंगे, हमारा काम है दौड़ना, लेकिन हम आज खुश हुए कि हम अगर वो कुछ प्रॉब्लम होता तो हम उसको बचा लेते, और प्रॉब्लम नहीं था वो अच्छी बात थी। सो दिस इज पॉइंट नंबर वन। सेकंड जो भी आपने बताया कि सोशल मीडिया का इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि जो बच्चियां हैं वो कुछ समझती नहीं है सोशल मीडिया पे कैसे कैसे फोटो डालती है या खुद के फोटो डालती है, सामने वाला कुछ और होता है ये कुछ और होता है, तो इसके लिए मुझे बहनों को कहना है, खास बहनों को, कि आप लोग ये सब वो सोशल मीडिया की चकाचौंध में मत आ जाओ, आप वो चकाचौंध में मत आओ आपको लाइक मिल रहे हैं या आपको सब वाह वाह कर रहे हैं, या आपको आप अगर ये भी मत समझो कि अगर सामने वाली कोई फेसबुक पे लड़की का फोटो है तो लड़की है, लड़की नहीं होती है, सामने दूसरे लड़का ही नॉर्मली होता है, और आप फिर उसको कन्फाइड करना चालू करोगे, किसी को आपने लाइफ में देखा नहीं और आप उसको अपने घर की बातें करोगे तो कैसे चलेगा, आप बोलोगे अभी तो मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूं, मैं एंजॉय कर रही हूं, तो ऑब्वियसली कोई इसका गैर फायदा उठा ही सकता है, तो ये सब हमें खुद को संभालना है, इसके लिए आप हमेशा समझोगे कि पुलिस आ जाएगी या ये हो जाएगी तो ये हमारी बेवकूफी है, हमें खुद को संभालना है, और इसके लिए खास पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि उनके बेटे, और हाँ देखना चाहिए, जमादारी नहीं करनी चाहिए, ये मैं खास बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार पेरेंट्स जमादारी करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक एज होती है जब लड़कियां पसंद नहीं करेगी उनके पेरेंट्स जमादारी करें, बट एज अ फ्रेंड अगर आप उसको समझाते हो तो ऑब्वियसली वो समझ जाएगी, तो ये सब हमें बहुत करना जरूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रुझान जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी 1091 हेल्पलाइन के बारे में देने के लिए। तो आप भी अगर किसी भी परेशानी में फंसे हों और या फिर आपके रिश्तेदार या फिर कोई भी महिलाएं, क्योंकि एक महिला हेल्पलाइन नंबर है पूरे भारत भर में सक्रिय है और आप कभी भी कॉल करके मदद ले सकते हैं, तो अगर आपकी कोई भी परेशानी है, अगर आप फंसे हैं तो 1091 पर जरूर डायल करें, कॉल करें। अगर आप कॉल नहीं कर सकते, जिस तरह से हमारे गेस्ट ने बताया, रुझान जी ने बताया कि अगर आप कॉल नहीं भी कर सकते, आप सिर्फ मिस कॉल दे दें तब भी आपकी समस्या हल हो जाएगी, पुलिस की पीसीआर आप तक आ जाएगी, आप कोई भी प्रदेश में रहते हैं आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही जिस तरह से हमारे मेहमान ने और भी बताया कि हमें
मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा ताकि हमें ऐसी नौबत ना आए कि हम फंस जाएं। जो केसेस होते हैं, रेप के केसेस होते हैं, घरेलू हिंसा के केसेस होते हैं, उसमें महिलाएं फंस जाती है या फिर थोड़ा सा डर लगना लगता है, क्योंकि हम मानसिक और हम फिजिकली इतने स्ट्रांग शायद नहीं है। लेकिन हमें मानसिक तौर पर, हम फिजिकली भले ना हो, हमें मानसिक तौर पर बहुत ही ज्यादा मजबूत होना है। हमें एक विश्वास, एक आत्मविश्वास अपने आप में पैदा करना है और उस आत्मविश्वास के बूते पर ही हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि आखिरकार हम ही जिम्मेदार हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए। हमारी सिक्योरिटी के लिए और हेल्पलाइन नंबर्स हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी पहल हमें हम ही से करनी पड़ेगी। नमस्कार।